चलो गाइस, अभी हम इमोजी से ड्रिंक्स के नाम गेस करेंगे। तो ये पहली इमेजेस को देखो और फटाफट से मुझे ड्रिंक का नाम नीचे कमेंट में बता दो। आई एम प्रीटी श्योर ये तुम लोगों ने पिया है और इसलिए तुम लोगों को इसका नाम नीचे कमेंट करना ही है। फटाफट से कमेंट करो। ये कॉक ए कोला कैन तो बन जाएगा कोका कोला। क्या तुम लोगों ने गेस कर लिया था? गेस कर लिया होगा तो फटाफट से अब ये वाला भी गेस कर लो। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं हिंट दूं, इससे तुम लोगों के विंग्स आ जाते हैं। अब तो फटाफट से नीचे कमेंट कर ही दो। ये है रेड बुल, तो बना रेड बुल ड्रिंक। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। क्या ये भी कमेंट कर दिया था तुम लोगों ने? तो अभी ये वाला नीचे कमेंट करो। मुझे पता है ये तो तुम लोग कमेंट कर ही दोगे, तो फटाफट से जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। ये ट्रॉफी कैन ए तो बनेगा ट्रॉपिकाना। ट्रॉपिकाना 100% हर दिन 100% सुना होगा तुम लोगों ने। चलो अभी फिर ये वाले ड्रिंक का भी नाम बता दो। ये तो तुम लोगों ने पिया ही है, ये ऑरेंज ऑरेंज होता है, बस इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं। ये है मी रेंडा, मिला देंगे तो बनेगा मिरिंडा। पिया है ना तुम लोगों ने? तो फिर अभी ये वाला भी बता दो। ये तो 100% तुम लोग बता ही दोगे, ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी से नीचे कमेंट करो। ये है एप और ये ई तो बना एपी फिज। क्यों मस्त ही नहीं ये भी? तो चलो अभी ये वाली बता दो। ये तो अगर तुम लोग ट्रैवल करते हो ना ट्रेन से या प्लेन से तो तुम लोग मुझे बता ही दोगे, तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। ये तुम लोगों ने देखा ही होगा। ये है पेपर बोट। पेपर बोट, पेपर बोट की ड्रिंक्स हम लोग ज्यादातर स्टेशन्स पे या एयरपोर्ट पे देखते ही हैं। चलो अभी फिर ये वाला बता दो। ये तो सिंपल ही है, तो जल्दी से तुम लोग बता दोगे, कमेंट करो नीचे। ये एसपी राइट, मिला देने पे बनेगा स्प्राइट। कितना मस्त होता ना स्प्राइट भी। Yes, I like it. अभी फिर ये वाला भी बता दो। ये तो बता ही दोगे, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, इसलिए जल्दी से कमेंट करो। ये फैन, ये टाटा, उसमें से हम लोग टा ले लेंगे तो बनेगा फैंटा। कमेंट किया ना तुम लोगों ने? अभी फिर ये वाला बता दो। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसलिए अच्छे से सोचो और जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। ये है मिनट का हैंड और ये है मेड तो बनेगा मिनट मेड। ये भी एक मजेदार ड्रिंक है। चलो फिर अभी ये लास्ट वाला बता दो। ये तो तुम लोगों का कमेंट फटाफट करना ही है, तो जल्दी से नीचे कमेंट करो। ये सेवन अप तो मिला देने पे बनेगा सेवन अप।
क्या तुम लोगों ने सभी ड्रिंक्स के नाम बता दिए थे? वैसे अगर आप अभी क्लास 6 से 12 में पढ़ रहे हो तो आप सभी के लिए मेरे पास अच्छी न्यूज है। अनअकैडमी पर अभी तक आपको मेरा कोड QT10 यूज करने पे 10% ऑफ मिलता था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10%। ये ऑफर स्टार्ट हो रहा है 18 सितंबर से। ये सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस स्पेशली आपकी CBSE की प्रिपरेशन को ध्यान में रख के लॉन्च किया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से है। क्लास 11 एंड 12 के लिए रिवाइज बैच फॉर टर्म 1 एग्जाम फॉर साइंस 20 सितंबर को, और फॉर कॉमर्स के लिए भी 20 सितंबर। क्लास 10 के लिए टर्म 1 का जो कोर बैच है मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश का, वो 20 सितंबर को। क्लास 9 का जो फोकस बैच है मतलब कि मैथ साइंस और एसएसटी के लिए, वो भी 20 सितंबर को। और क्लास 6, 7, 8 वालों के लिए क्रॉसओवर बैच मैथ्स एंड साइंस के लिए, वो भी 20 सितंबर को। ये सारे बैचेस में आप एनरोल करके अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDFs, ये सब आप ले सकते हो। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप CBSE क्लास 6 से लेकर 12 में हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यूज करें मेरा कोड QT10 और आप इस एक्स्ट्रा 10% को एंजॉय करें। अभी अगली पहेली, इस जोकर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका परछाई कौन सा है, ए बी सी या डी। तो अच्छे से देखिए और आंसर कमेंट करिए। आंसर है सी। अभी इस हेलीकॉप्टर की इमेज को देखिए और बताइए कि इसकी परछाई कौन सी है, अपना आंसर कमेंट करें। हेलीकॉप्टर की परछाई ये बी वाली है। अभी अगली पहेली, अभी बताएं कि इस इमेज में क्या गलती है, अच्छे से देखिए। यहां ब्रिज के नीचे जो रिवर जा रही है वो ब्रिज के दूसरे तरफ है ही नहीं, यही यहाँ की गलती है। अभी इस इमेज में गलती बताइए और आंसर कमेंट करिए। यहाँ कैलेंडर में 31 जून लिखा है और जून 30 तक ही होता है। अभी अगली पहेली, एक आदमी के हाथ में 6 उंगलियां थी लेकिन फिर भी लोग उसे अकबर बुलाते थे, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों था, आंसर कमेंट करें। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी, क्योंकि उसका नाम ही अकबर था इसलिए उसे लोग अकबर बुलाते थे। अभी ये बताइए, एक एरोप्लेन के अंदर 50 ईंट थी, एक आदमी ने गेट खोलकर एक ईंट नीचे गिरा दी, तो बताइए अभी प्लेन में टोटल कितने ईंट बचे हैं। अरे हर चीज को लॉजिकली सोचने की क्या जरूरत है, वहां 49 ईंट ही बचेंगे। चलो एक और, एक आदमी रास्ते से जा रहा था, अचानक ही उसकी मौत हो गई, अब आखिर ये कैसे हो गया, आप अपना आंसर कमेंट में बताइए। क्या आपको समझ आया, जो ईंट प्लेन से गिरा था वो उसके सर पे आके लगा इसलिए वो मर गया,
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और इन मजेदार वीडियोस को भी देखो। ये राइट वाली की पहेलियां तो बहुत ही टफ है, तो अभी इस पे क्लिक करके वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा। क्लिक हियर।